महाराष्ट्र के डोंबिवली के MIDC इलाके में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 2 से 3 किलोमीटर तक सुनी गई। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने डोंबिवली हादसे को लेकर बताया कि विस्फोट की तीव्रता बेहद ही अधिक थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस विस्फोट की वजह से आसपास की 6-7 फैक्ट्रियां क्षतिग्रस्त हो गई है, आवासीय संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि डोंबिवली में बॉयलर फटने से हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि रेड कैटेगरी में आने वाली इस तरह की बेहद खतरनाक कंपनियों को शिफ्ट किया जाएगा। सरकार ने ऐसी फैक्ट्रियों को गैर आवासीय इलाकों में शिफ्ट करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के डोंबिवली के MIDC इलाके में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 2 से 3 किलोमीटर तक सुनी गई। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने डोंबिवली हादसे को लेकर बताया कि विस्फोट की तीव्रता बेहद ही अधिक थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस विस्फोट की वजह से आसपास की 6-7 फैक्ट्रियां क्षतिग्रस्त हो गई है, आवासीय संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि डोंबिवली में बॉयलर फटने से हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि रेड कैटेगरी में आने वाली इस तरह की बेहद खतरनाक कंपनियों को शिफ्ट किया जाएगा। सरकार ने ऐसी फैक्ट्रियों को गैर आवासीय इलाकों में शिफ्ट करने का फैसला किया है।